अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कसूरी मेथी चिकन की रेसिपी, जो आप अपने घर पे बनाई है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आपको बहुत ही पसंद आएगी। मेरे तरीके से ये रेसिपी को ज़रूर अपने घर पे ट्राई कीजिए। यहाँ पे हम आधा किलो चिकन ले लेंगे और इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। और अब इसमें 2 से 3 हरी मिर्ची को कट करके डाल देंगे। आप चाहे तो और भी ले सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, जितना आप तेज़ खाना पसंद करते हैं। अब इसमें 1/2 कप दही ले लेंगे और इसमें 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे। लाल मिर्ची और हरी मिर्ची जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच। धनिया पाउडर डाल देंगे इसमें 1 चम्मच। नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। अब इसमें 2 चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे और ये सारे मसालों को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। इसका फ्लेवर चिकन के साथ बहुत ही अच्छा आता है। अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम एक बर्तन में 3 से 4 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल जब गर्म हो जाए तब हम इसमें खड़े मसाले डाल देंगे। और अब हम इसमें ये जो हमने चिकन में मसाले मिला के रखे थे ये इसमें डाल देंगे। तेल बहुत ही अच्छा गर्म होना चाहिए तभी हम इसमें ये चिकन डाल देंगे इसमें, और इसे जो अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। अब ये बचे हुए मसाले में थोड़ा सी पानी डाल देंगे और इसे भी हम चिकन में डाल देंगे। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए चिकन को अच्छे से पका के ले लेंगे। 15 मिनट के बाद ये देखिए चिकन जो है बहुत ही अच्छे से पक गया है। अब हम इसके ऊपर हरी धनिया डाल देंगे और यहाँ पे हमारा कसूरी मेथी चिकन रेडी है। आप इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़ेदार लगता है खाने में। कसूरी मेथी का फ्लेवर चिकन के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। आप इसे पराठे के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, बहुत ही मज़ेदार लगता है। मैंने इसे अपने घर पे जो है पराठे के साथ बनाया था। ये पराठे के साथ, लच्छे पराठे के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगता है खाने में। आप भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।